तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए दिन में और एक नए ब्लॉग में। और आज के दिन का ब्लॉग शुरू हो रहा है घर की सफाई के साथ। आज है संडे का दिन और पूरा का पूरा घर साफ करना है, क्योंकि सबको पता दिवाली आ रही है। और मेरे को काम मिला है ये पेंट करने का, तो मैं जल्दी से पेंट करता हूँ और फिर मैं आपसे मिलूंगा बैटिंग करते हुए। बैटिंग की प्रैक्टिस होगी आज और वर्कआउट भी होगा, पर वो होगा शाम को। और इस वक्त 12 बज रहे हैं, सुबह से काम लगे पड़े हैं सफाई करने में, तो अब जल्दी से मैं पेंट शुरू करता हूँ। तो ये रहा मैं पेंट करता हुआ अपने घर की खिड़कियाँ, जो कि आज का मेरा टास्क था, घर वालों की तरफ से दिया गया कि मुझे सारे घर की खिड़कियाँ पेंट करनी है और दरवाजे पेंट करने हैं। तो मैंने खिड़कियाँ पेंट कर दी और दरवाजे पेंट कर दिए, और फिर ये रहा मैं गंदी सी स्माइल देता हुआ। तो यार, घर की सफाई हो गई है कंप्लीट, अब जितनी हुई है बाकी के कल करेंगे। और शाम के 6 बज गए हैं, सुबह से लगे हुए थे सारे घर वाले। तो अब जल्दी से मेरे को अपना एक वर्कआउट करना है और एक प्रैक्टिस सेशन करना है, साथ में करनी है पढ़नी है गीता। तो जल्दी से ये टास्क कंप्लीट करते हैं आज के, और टाइम कम है काम ज़्यादा है, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस जल्दी से। बस नहाता से 50 मिनट का करा है। अब मैं दूसरा सेशन कर रहा हूँ, वो है मेरा वर्कआउट सेशन, और वो भी 40-45 मिनट का रहेगा जैसे कि टास्क में होता है। और मैं इसलिए हाफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं रनिंग कर रहा हूँ और वो शुरू हो चुका है सेकंड सेशन। तो पहले मैं स्प्रिंट्स करूँगा और फिर मैं जो है स्किपिंग करूँगा, टोटल स्प्रिंट यानी कि शटल रनिंग करूँगा मैं, और फिर मैं करूँगा 25 मिनट की स्किपिंग। तो टोटल आज मेरा यही 40-45 मिनट का वर्कआउट होगा, पूरा कार्डियो सेशन रहेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं, अब जल्दी से खत्म करते हैं, शुरू हो चुका है, खत्म करते हैं इसे जल्दी से। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. I was an ordinary boy.
तो यार इसी के साथ आज का दिन हो गया है पूरा, सारे टास्क हो गए आज के कंप्लीट। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट, पीस आउट, स्टे डिसिप्लिन्ड। आज मैंने गीता में पढ़ा, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हावी भी आध्यात्मिक होती है। जय श्री कृष्ण।